चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। काफी दिन बाद स्वागत हो रहा है आपका। हाँ, मैं थोड़ा ब्रेक पे था शायद से। कहाँ गए? और पहला T20 तो धुल गया। कहाँ पे? मैं थोड़ा ऐसे ही घूमने चला गया था कि कहाँ, धर्मशाला, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तो बरसात आप यहाँ तो लेके नहीं आए? हाँ, वहाँ तो जिस दिन से पहुँचे थे उस दिन से बरसात ही बरसात। ठीक है, एक रिलीफ। शुक्र आप रुके नहीं। हाँ, अब वापस आ गए। नहीं, बट मैं वापस जब आ रहा था तो मोहाली से होते हुए आया हूँ। तो हो सकता है दिल्ली में बरसात हो जाए। चलिए, है ना। खैर, फिलहाल पहला T20 तो धर्मशाला का वॉश आउट हो चुका है। अब है दूसरा T20 मोहाली में, और वो है कल। अब विक्रम राठौर जो नए बैटिंग कोच बने हैं भारतीय टीम के, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। काफ़ी उनकी पहली अगर मीडिया कॉन्फ्रेंस जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो काफ़ी मुद्दे की जो बातें उन्होंने करी हैं उसमें एक रोहित शर्मा के सिलेक्शन पे, टेस्ट सिलेक्शन, ना कि बाकी फॉर्म्स तो ठीक है, बाकी फॉर्मेट्स, बट टेस्ट सिलेक्शन की उन्होंने बातें करी हैं कि रोहित शर्मा इज़ टू गुड अ प्लेयर टू मिस आउट इन टेस्ट ऑल्सो। और दूसरी बात जो उन्होंने करी है वो ये करी है कि भारतीय टीम को अपना T20 खेलने का तरीका कैसे बदलना होगा, क्योंकि अच्छी बात है कि ये बात बैटिंग कोच बोल रहे हैं, और ये एक एडमिशन भी है, और शायद से उस तरीके पे काम भी किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ विक्रम राठौर की। विक्रम राठौर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने बहुत रन बनाए, बहुत रन बनाए। इन्होंने रणजी ट्रॉफी 95 के फाइनल में वो 170-175 रन बनाए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर उनके दीवाने हो गए। खैर, वो टेस्ट मैचेस खेले इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, और इनसे रन नहीं बने, थोड़े से वनडे खेले, उसके बाद ये भुला दिए गए। लेकिन इंडिया ए और डोमेस्टिक क्रिकेट में विक्रम राठौर जैसा बैट्समैन नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दुलीप ट्रॉफी का मैच था यहाँ पर फरीदाबाद में। ये वक्त था जब युवराज सिंह इंडियन टीम से पहली बार ड्रॉप हो गए थे, और विक्रम और युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे। 2002 की बात है, बिगिनिंग ऑफ 2002। यूवी ने 100 बना दिया, विक्रम सामने बैटिंग कर रहे थे, यूवी 100 बना के एक दो इधर उधर शॉट मारने के लिए गए। तो विक्रम ने जाके, अब दोनों पंजाब से खेलते थे, हाँ। तो विक्रम का निकनेम है बिट्टू पाजी। तो बिट्टू पाजी ने यूवी को कहा, तेरा दिमाग ख़राब है, 100 बना लिए हैं यार, इसको 150 और 200 बनाना, तो क्यों खुद आउट हो रहा है? जब तू 200 बनाएगा ना, वो रन गिने जाएंगे। और युवराज सिंह ने उसके बाद 200 ही बनाया, और उन्होंने फिर इस किस्से को याद किया। तो मेरे कहने का मतलब, कभी कभी क्या होता है राहुल, आप टेक्निकली प्लेयर पे काम करते हो। उनका ये कहना कि रोहित शर्मा विल बी अ सक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट, ये मेंटल है, बट दिस कैन एक्चुअली इंकरेज द प्लेयर। अब रोहित शर्मा को इंकरेजमेंट ऐसा तो नहीं कि नहीं चाहिए, बिल्कुल, एक बड़े से बड़े प्लेयर को भी चाहिए होती है। और टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो टेक्निकल अरेंज एनकरेजमेंट है शायद से, वो रोहित शर्मा को खुद करनी पड़ेगी। हाँ, बैटिंग कोच भी कर सकते हैं, बट जैसे आप बोल रहे हैं, बैटिंग कोच का ये बोलना, विक्रम राठौर का बोलना, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे आपने बोला उस टाइम थे, ये एक बहुत बड़ा नाम था विक्रम राठौर जब डोमेस्टिक, और इससे पहले सिलेक्शन पैनल में भी थे। बिल्कुल, और सिलेक्शन पैनल में भी थे, हालांकि अब सिलेक्टर उनका बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोधा उनका नहीं, वो वैसे भी टर्म खत्म हो गया, नहीं मतलब, क्योंकि उनका एक इंडियन पासपोर्ट नहीं है आई थिंक जी, उनका इंडियन पासपोर्ट अब नहीं रहा, और उस लिहाज से। बट ये है कि एक मेंटल एनकरेजमेंट जिस पर की आप बात कर रहे हैं रोहित शर्मा के लिए, वो बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे पीछे से कोई निकलते हुए जा रहा है, और शेफाली अपनी डेली डोज ऑफ ग्रीन टी। शेफाली, ये क्या मतलब इतना भर के? थोड़ा तेज बोली शेफाली। माइक एक्चुअली एक ही है। विक्रांत सर, क्या हुआ मैच का? मैच बरसात हो गई धर्मशाला में, ये गए थे साहब तो वहाँ पे बरसात इतनी करा दी, बरसात करा दी, दिल्ली में भी करवा दो। अगला मैच अब मोहाली में है, तो कल है उसमें बरसात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं वो मैच होगा, होगा 100% होगा, और मुझे लगता है हाई स्कोरिंग गेम होगा, क्योंकि मोहाली में रन बड़े बनते हैं आजकल। दी ओनली कंसिडरेशन इज कि शाम को ओस होगी कि नहीं होगी, बट मुझे लगता है इन दिनों में इतनी ओस नहीं होगी, तो ठीक ठाक ही होगा। नहीं, मैं तो वहाँ था,
नहीं नहीं मतलब यहाँ सफेद झूठ सफेद झूठ शिफाली शिफाली इतने कन्विक्शन से बोल सकती है ना कि सामने वाले आदमी को भी दो बार सोचना पड़े यार। मैं भी यही सोचा मैंने, नहीं बट आपको मैं बताता हूँ, आपने भी इनके साथ इंस्टाग्राम से किया था और मैंने भी वहाँ से इंग्लैंड से इनके साथ दो या तीन लाइव किए थे, साउथहैम्पटन से किया था पहले मैच में, शिफाली के साथ। ऐसा होता था कि जब मैच शुरू होने वाला होता था ना, यहाँ पूरी मतलब भगदड़ मची होती थी टेलीविजन के लिए, शिफाली मेरे को बोलती थी चलो चलो वो मैच पे एक शिफाली का अपना, शिफाली ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो हैं अंडर सन सब चीज़ें, नहीं इनके इंस्टाग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं तो मतलब इनको फॉलो करता हूँ, पिच करते हैं नहीं मैं पिक पे इनको फॉलो भी करता हूँ, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें और फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच। वैसे विज्ञान सर आपका इंस्टाग्राम में कम नहीं है, माय गॉड देखो इनको इतनी आदत है जहाँ ही जाते हैं और फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, मतलब सीरियसली प्लीज कम ऑन प्लीज, नहीं आपको बहुत आदत है फोटोग्राफ्स अपलोड करने, मुझे तो है लेकिन आपको भी बहुत है। तो आप बैठना चाहती हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में? हाँ प्लीज क्वेश्चन। तो आप पहला क्वेश्चन आज शिफाली जी से कीजिए। चलिए मैं आज, हाँ ये सही था, मैं पूछती हूँ, मैं नहीं आप पहले पहला यहाँ से आने दीजिए, मैं क्या आंसर करूंगी, आप एक्सपर्ट हो ना क्रिकेट के, फैन तो आप अच्छा कोशिश तो आप एक फैन सवाल पूछ रहे हैं, देखें दूसरे फैन का अब एंकर है। स्वर्ण वो घोष है सर, आप बड़े लकी हैं आज शिफाली जी हैं वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगी मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग वैसे मुझसे पूछते रहते हैं, कभी उनको आप ये कहिए कि जो भी आपसे पूछे आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग जरूर लगाएं, मैं बोलती हूँ हमेशा, तो वो उससे फिर मुझे ध्यान है जब मेरे इंस्टाग्राम पे लोग मुझे आके बोल रहे थे कि हम स्पोर्ट्स तक से आए हैं आपके इंस्टाग्राम पर, वाह इमेजिन। तो आप कुछ अपने हमारे ऊपर भी फेंकी, अपने जो रावत राहुल 9 तो बार-बार पिच करते हैं विक्रांत डॉट गुप्ता 73 शिफाली बग्गा ऑफिशियल। अच्छा बहुत लोग ना शिफा आप शिफाली बग्गा बोल देते हो यहाँ पर और बहुत लोग मेरे फैन पेज को जाके फॉलो कर लेते हैं, आपके फैन पेजेस में है, आपके भी हैं, आपके भी हैं, आपके भी हैं, मुझे नहीं पता विराट का जो ओडीआई क्रिकेट अगर देखा जाए या लिमिटेड फॉर्मेट्स में अगर आप देखें तो रोहित शर्मा बड़े कॉम्पिटिशन है यार, हिटमैन यूं ही नहीं बोलते हम रोहित शर्मा को, है बहुत बड़े आपके कौन है अगर आपको चूज करना पड़े दो में से एक? नहीं माई फेवरेट इज विराट, बट जो फील करती है वो बोल देती है मुंह पे, राइट साफ 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 शब्दों में, ये उधर भेज दिया आपने। तो चलिए पीयूष कुठावड़े हैं वो बोल रहे हैं हाउ शुड आवर मेन बैट्समैन, तो आपको जय कुछ इशारा कर रहे हैं माइक okay. आप वो बोल रहे हैं कि आप यूं माइक पास में रखो, ये हमारी तो आई जाएगी, चलो इसको आप, हाँ हमारी तो आई जाएगी, अब आ जाइए चलिए चलिए। तो वो बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली, ऋषभ पंत, आप इनको कैसे देखते हैं अगले एक साल में, इनको कैसे रेस्ट इनको रोटेट करना चाहिए कितना? आज विक्रम ने एक बात बोली उन्होंने, एक और T20 में बोली उन्होंने, कहा कि देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिया कांट विन द नेक्स्ट वर्ल्ड T20 और 2007 से हमने T20 में अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है, तो देर इज़ अ कनेक्ट, आपको प्लेयर तो ये ठीक है लेकिन इनके लिए रोल्स जो है ना अलहदा होंगे, अब मुझे लगता है कि अब इंडिया को T20 खेलना एक नए तरीके से थोड़ा सा फियरलेस क्रिकेट चाहिए, और ये नहीं है कि हम पहले 10 ओवर में रिस्क ना लें, आपको 5-5 ओवर जैसे भी हैं, आप 6 में 40 फॉर नो लॉस एम करते हैं, गो फॉर 50 फॉर 1, देर इज़ नो हार्म, आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा जारहाना खेल दिखाना होगा, बट वो तो विराट कोहली रोहित शर्मा बहुत आर नहीं T20 इंडिया थोड़ा सा आ रहा मतलब सेफ्टी फर्स्ट के लिहाज से खेलता है, मुझे लगता है कि हम लोग जो फील करते हैं ना टीम, एक्चुअली टीम भी वही फील करती है, वो क्यों हम बोलते हैं कि जैसे वो शुरुआत में रुक के खेलते हैं, क्योंकि आई थिंक टॉप ऑर्डर को आपके पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ लैक, लेकिन अब आपके अगर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ये 4-5-6-7 हैं और जडेजा 8 हैं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है, 20 ओवर में आपके विकेट बचाने की क्या जरूरत है? युजवेंद्र चहल अभी T20 टीम में नहीं है, बट राहुल ने डन एन इंटरव्यू विद द चीफ सेलेक्टर, तो उन्होंने कहा था कि हम बाकियों को ट्राई आउट कर रहे हैं लेकिन वो लोग रेस में आगे हैं, लेकिन कल परसों विराट ने बोला कि कुलदीप और चहल की तो बैटिंग नहीं है, तो T20 में दैट बिकम्स अ ड्रॉबैक, बट मुझे लगता है कि चहल कुलदीप में से कम एक
आपकी T20 की 11 में होना ही चाहिए. एग्जैक्टली, वी नीड गुड स्पिनर्स. मैं बोल रहा हूँ कि हालांकि ये कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर भी होगा, बट ये है कि आज की डेट में अगर शेन वॉन होते, मुरलीधरन होते प्राइम पे अपने, अब बैटिंग हालांकि शेन वॉन तो कर लेते, मुरलीधरन नहीं करते थे ना, मुरलीधरन तो आज होते नहीं होते टीम में आपकी, पता नहीं अब आपकी सोच के हिसाब से तो नहीं होते. मेरी सोच मतलब आपकी आपकी इंडिया की, मैं तो कल परसों भी बोल रहा था, आप मुझे बताइए कि कब T20 के मैचों में आपके 9, 10, 11 ने बैटिंग से मैच जिताया हो. बिल्कुल, 10 में से एक मैच फंस गया, बट 10 में से 6 मैच आपके बॉलर 4 ओवर में 30 रन देके 3 विकेट लेके आउट करके वो मैच जिता देंगे. तो आपको क्या चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए? शिफाली एंकर है, मुझे लगता है यहाँ पर तो ये इंडियन टीम तो स्ट्रांग है ही, आप देखो जरा, अब शिफाली एंकर है तो शिफाली से कंपनी क्या चाहती है? वो चाहती है कि एंकरिंग करें, ये फेस ऑफ द चैनल हो, ये अपना न्यूज़ पढ़ के आए और ये अच्छी न्यूज़ करें. अब आप इनको ये काम दे दें कि आप रनडाउन पे बैठिए और आप टिकर पे बैठिए, वो इनका रोल नहीं है. तो चहल है, कुलदीप दे आर स्पेशलिस्ट, ये आपको मैच जीत के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते T20, बस दैट्स इट. नहीं, ये तो फैक्ट है. हालांकि ये आई एम श्योर कि वो लोग भी कोशिश कर रहे होंगे कि बल्लेबाजी किसी तरह थोड़ी बेटर 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 करी जा सके. बट ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्स है. चीफ सेलेक्टर बोल रहे हैं कि वो ऑलरेडी वो दोनों रेस में आगे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, बाय द वे. ठीक है, ये उन्होंने घर में बैठ के थोड़ी रेस खेलेंगे यार, हालांकि वो तो लूडो थोड़ी खेल रहे हैं कि 6 नंबर पे उनको सीढ़ी मिल जाएगी 98 में पहुंच जाएंगे. यू हैव टू वर्क योर वे ना, उनको खिलाओगे नहीं तो कैसे वो आएंगे यार. गुड्डूपति बोल रहे हैं कि शुभमन गिल का तो नाम आजकल हर जगह आपने भी सुना ही होगा, तो साउथ अफ्रीका ए के साथ सीरीज चल रही थी, काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और उनको एज अ बैकअप ओपनर, मतलब रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल आपके ओपनर्स हैं और शुभमन गिल को एज अ बैकअप ओपनर रखा हुआ है. तो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम शुभमन गिल को एज एन ओपनर देख सकें टेस्ट मैचेस में? ना मुश्किल है, अनलेस अनटिल किसी को इंजरी हो, अनलेस अनटिल मयंक अग्रवाल किसी को इंजरी हो. नहीं, मयंक और रोहित के साथ आप तीनों टेस्ट खेलोगे, अनलेस अनटिल किसी को चोट लगे, शुभमन गिल मुझे लगता है कि सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे और ही विल गेट यूज्ड टू दैट एटमॉस्फेयर. अच्छा, मेरा एक सवाल है वैसे कि टीम को क्या हुआ, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो बहुत ही, हमने सुना है एबी डिविलियर्स और ये सारे, अब ये लोग. लेकिन देखिए शिवाली, वर्ल्ड क्रिकेट आप उठा के देखें, बहुत कम ऐसी सीरीज होंगी जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हुई. साउथ अफ्रीका अच्छी टीम थी, आपने ठीक कहा, एबी डिविलियर्स भी नहीं है, हाशिम आमला नहीं है, डुप्लेसिस को ड्रॉप कर दिया है, मौकल नहीं है, इमरान ताहिर नहीं है, उनकी भी नई टीम है. लेकिन उन्होंने एक पंट लिया है, उन्होंने एक रिस्क लिया है, वो कह रहे हैं हम एक नए कप्तान के साथ नई टीम के साथ आगे जाएंगे. हो सकता है कि वो आपको टेस्ट मैचेस में मुकाबला ना कर पाए, बट दो T20 मैच है, दो T20 मैच में लॉटरी हो जाता है, यू नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है. रीबिल्डिंग फेज है और T20 क्रिकेट तो वैसे भी, और इसके बाद थर्ड वाला संडे को है, थर्ड संडे बैंगलोर, वहां भी अच्छा हाई स्कोरिंग होना चाहिए अगर बॉल. मोहाली और बैंगलोर शुड बी हाई स्कोरिंग, हाई ऑल्टीट्यूड है ना. बस अब बारिश वारिश मत कराना आप कहीं, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में हो जाए तो अच्छा है. मैक्सिमम मैचेस वर्ल्ड कप में भी बारिश, परेशान हो गए बारिश तो यार, जिधर होनी है उधर नहीं होती है. सही बात है, और जहाँ हो रही है तो ऐसी हो रही है कि बाढ़ आ जाए. वही कहते हैं ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. प्रिंस दीपराज जो है इनकी आरव के, शिवाली को बहुत शेर व शायरी का शौक है वैसे. अच्छा चलो एक मैं सुनाती हूँ. जैसे मैं अभी आई थी, लेकिन मैं आप पे नहीं बोल रही हूँ ये, पर अदरवाइज एक ऐसे ही वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ. बट आंखें मूंदे बैठे हो तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छम से आ जाए तो क्या. वाह क्या वाह, ये ओरिजिनल है, ये आपने खुद बनाया लगता है? प्लीज नहीं, मैंने खुद नहीं बनाया. क्या बात है, ये आई मिस्टर गुप्ता की फेवरेट फिल्म, जिसका मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि विक्रांत गुप्ता खुद उस मूवी में है, विकी पाजी, लेकिन इन्होंने मुझे झूठ बोला था कि वो है नहीं. फिर उन्होंने KBC में गए ये, और तब उस झूठ का पर्दाफाश हुआ और उन्होंने बताया कि वो नहीं है. मैं अभी तक समझती थी कि भाई विक्रांत गुप्ता विकी पाजी, वो जो छोटे वाले अमिताभ बच्चन होते हैं वो विक्रांत गुप्ता है. और ये मुझे कहते थे कि इन्होंने एक्टिंग की है उस मूवी में, इमेजिन झूठे. मुझे लग भी रहे थे कि वो विक्रांत गुप्ता है उनकी बचपन की इमेजेस को देखकर. बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये इंसिडेंटल है, मैं सोच रहा था मैं इस तस्वीर को इंस्टा करूं. ये तस्वीर है हमारी, मेरी है ये, ठीक है, ये लग रहा है कि नहीं वही?
बिल्कुल, मैं तभी तो मान गई थी कि ये वही ये है। कल ही मतलब फेसबुक पे, मतलब ये 1983 की फोटो है, ये शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन का जो छोटे वाला रोल है, वैसे हम स्पोर्ट्स से बिल्कुल हटकर अलग बात बता रही हूँ मैं, थोड़ा तो उसमें जो विक्की पाजी का रोल है वो हमें लगता था कि विक्रांत गुप्ता ने प्ले किया, और विक्रांत गुप्ता अभी अपने सोशल मीडिया पे वो पिक्चर डालेंगे विक्रांत गुप्ता 73 पर, डॉट गुप्ता, विक्रांत डॉट गुप्ता 73 पर, विक्रांत गुप्ता 73। ओके, और ट्विटर भी देखो यहाँ पर बता दियो मैं। तो आपका भी तो चार बार हमने सब मशहूरी तो कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, शिफाली बग्गा ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम, शिफाली बग्गा नहीं, बग्गा ऑफिशियल। प्रमोशन की बात ही रावत राहुल 9 भी करी दीजिए, राहा नहीं, और जब रावत राहुल 9 प्रमोशन की बात ही आ रही है तो ये प्रिंस दीपराज हैं वो बोल रहे हैं, तो आरव का एक चैनल है क्रिकेट टॉक, देखा आपने? हाँ हाँ क्रिकेट टॉक, मैं सब्सक्राइब भी करती हूँ, देखती हूँ, कम ऑन। वो बोल रहे हैं कि एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल क्रिएटेड बाय योर सन, गॉड ब्लेस हिम, वांट एन अपॉइंटमेंट विद हिम टू डू अ लाइव शो ऑफ क्रिकेट इन हिज ऑन हिज चैनल, काइंडली मैनेज। अरे सर कभी भी कीजिए, आप बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो आप, और मेरा भी यूट्यूब चैनल है बाय द वे, पता होगा आपको कि नहीं पता, आपको पता है वैसे, मैं उनको बता रही हूँ शिफाली बग्गा, बट मैं अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ उस पे, बट सून आई विल बी अपलोडिंग, धड़ाधड़ 4-5 महीने बाद तो एक्टिव हो जाओगे। हाँ हाँ, धड़ाधड़ वीडियोस डालूंगी मैं उस पे, अब देखना कब कब से, बस और एक महीने के बाद। चलो बहुत अच्छी बात ये, तो शिफाली मतलब सोशली बहुत अवेयर है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, ये होना भी चाहिए। आप अपने सवाल मुझसे पूछना, मैं यहाँ पे आई टेक योर लीव, बट मेरे सोशल मीडिया पे जो भी आप क्रिकेट के क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं मैं तो बताती हूँ, और मैं विक्रांत सर की इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि राहुल सर से ये मेरा ये सवाल पूछना, विक्रांत सर से ये सवाल पूछना, उन्हें हाय कहना, ऐसे आई विश के आप जितने भी लोग हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैं आपको भेजती हूँ उनको रिप्लाई करोगे। तो चलिए अब देखते हैं आपके हम इंस्टाग्राम पे कितने लोग बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ठीक है ना, ओके ठीक है, डन। तो अच्छा सा काम कीजिए आप, रनडाउन नहीं, एंकरिंग एंकरिंग, या चलो चलो, सी यू, बाय बाय, सी यू। शाश्वत तिवारी पूछ रहे हैं सर प्लीज मेक वन शो ऑन इंडियन प्लेयर्स, किस पे चाहिए सर आपको शो, जिनके नाम मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग माए है, इट कैन बी डन बाय वन एंड ओनली स्पोर्ट्स तक, पूरी आपको इतिहास और क्या क्या हुआ था पूरी स्टोरी देंगे वेरी सून, एक उस दिन हमने यूवी की कहानी और एक ये दोनों कमिट कर दिया। अच्छा दो एक सवाल है आयुष सारस्वत बोल रहे हैं नवदीप सैनी का जो एक्शन है वो जोफ्रा आर्चर से थोड़ा बहुत मिलता है, क्या हम उनमें अगला जोफ्रा आर्चर देख सकते हैं, हालांकि जोफ्रा आर्चर आई थिंक उन्होंने छोटे टाइम इतने कम समय में, तो अभी वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ बॉलर हैं जैसे बुमराह है, आर्चर है, रमाडा है, पर नवदीप सैनी अभी तो रॉ है ना, अभी जैसे ऐसे तराशे जाएंगे हीरा। नहीं, बट हम जोफ्रा आर्चर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं उन्हें, हाँ हो सकता है वो नए नवदीप सैनी बने और क्या, और जोफ्रा आर्चर खुद कितना टाइम हुआ है उन्हें, मैं मानता हूँ उन्होंने T20 क्रिकेट को मतलब आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, उनको IPL में भी इसीलिए जगह भी मिली, उसके बाद उनको अपनी वर्ल्ड कप टीम में मिल गई इंग्लैंड की, हालांकि बहुत लोग चाह रहे थे चाहते थे कि उनको ना मिले बिकॉज ऑफ हिज ऑफकोर्स वेस्ट इंडीज़ कनेक्शन, बट ठीक है, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ वर्क इन प्रोग्रेस, और कुछ टाइम आपको देखना पड़ेगा बिफोर हम उन पर जजमेंट पास कर दें, इवन दो टैलेंट बहुत बड़ा दिखते हैं अभी वो। अर्जुन रायजादा स्पोर्ट्स तक #, के साथ इफ यू वर इन प्लेस ऑफ MSK प्रसाद विल यू सिलेक्ट धोनी अगेंस्ट बांग्लादेश, नहीं आप धोनी की बेइज्जती कर रहे हैं ये सब, ऐसे थोड़ी है कि धोनी को आप सिलेक्शन का मोहताज बना के रखेंगे, आप धोनी के सामने वो गाजर थोड़ी दिखा रहे हो कि आपको वर्ल्ड T20 में सिलेक्ट करेंगे, मुझे लगता है वो खुद ही नहीं खेलना चाहते, धोनी का अपना माइंड भी तो इंडिपेंडेंट माइंड है ना यार। साई कृष्णा वैतला बोल रहे हैं व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ टू न्यू बॉल्स फ्रॉम टू एंड्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, इट कैन गिव राजीव ट्रॉफी की लाइफ टू टेस्ट क्रिकेट एंड परफेक्ट टेस्ट प्लेयर्स, नहीं आई थिंक वो क्योंकि दिक्कत आती है वाइड बॉल के साथ, वाइड बॉल लास्ट नहीं करता है वो, उसका रंग फेड हो जाता है, इसलिए दो बॉल इस्तेमाल होती हैं, लाल गेंद के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 80 ओवर वो आराम से जाता है, तो बहुत ज़्यादा फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा उत्कर्ष अग्रवाल आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल कि
कि अगर पंत ऋषभ पंत ऐसे ही वर्ल्ड कप तक परफॉर्म करते रहे, मतलब नहीं करते रहे, उन्होंने लिखा है कि जिस हिसाब से कर रहे हैं, अगर ऋषभ पंत ऐसे ही वर्ल्ड कप तक परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो इंडिया नए प्लेयर के साथ रिस्क लेगा या धोनी को वापस बुलाएगा? नहीं, अगर वर्स्ट आप कह रहे हैं वैसा है तो नया प्लेयर जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से MS धोनी हो सकता है, बट आपको लगता है कि धोनी एक साल इंतजार करेंगे? वो बाहर बैठेंगे, घर पे बैठ के एक साल इंतजार करेंगे। आई थिंक उनका, उनके दिमाग में है ये बात। मेरे हिसाब से MS धोनी T20 वर्ल्ड कप उनके दिमाग में है, मुझे ऐसा लगता है। और हम ये तो बात कर ही रहे थे कि इलेक्शंस की, BCCI इलेक्शंस की बात कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें और चीज़ें सामने आएंगी। उसके बाद ये भी है आपका IPL। देखिए, ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्रिकेट आज की डेट में एक स्पोर्ट नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें आपका, आपकी ब्रांड वैल्यू भी देखी जाती है। तो इसलिए तीन चीज़ें हैं, या तो धोनी सीरियसली T20 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, मुझे लगता है, दूसरा ये है कि आपका BCCI इलेक्शंस, और तीसरा डेफिनेटली IPL अगला सीजन। आई विल बी सरप्राइज अगर धोनी एक्चुअली T20 देख रहे हैं। अगर वो T20 देख रहे हैं ना राहुल, दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, डॉन ब्रैडमैन हो, तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, धोनी हो, स्टीव स्मिथ हो, क्रिकेट छोड़ नहीं सकते थे। फिर आप, उन्होंने छोड़ी कहाँ? छोड़ी हुई उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद, उन्होंने छोड़ी हुई नहीं, बट आप ये देखिए, हम लोगों ने खुद चलाई थी ये स्टोरी। हमने ये बोला था कि MS धोनी 2 महीने के ब्रेक पे है, राइट? 2 महीने हो गए अभी, कहाँ फिर ब्रेक नहीं पे? वो ब्रेक पे है, 22 तारीख तक तो 2 महीने से ऊपर चलेंगे ना, तो जो भी है। नहीं, तो फिर बांग्लादेश वाली सीरीज खेलेंगे वो? यू नेवर नो, कहाँ पे खिलाओगे आपने? आई डोंट नो, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वो बांग्लादेश की सीरीज नहीं खेलते हैं अगले महीने, तो राहुल फिर देयर इज नो चांस यार। फिर क्रिकेट में आप इतना भी मत कीजिए कि वो खेल ही नहीं रहे हैं लेकिन आप उनको वर्ल्ड T20 खिलाना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, आई अग्री, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इट इज़ अनफेयर। और अगर इंडिया का ये रहा ना एटीट्यूड सेफ्टी फर्स्ट, तो फिर आप वर्ल्ड T20 नहीं जीत सकते, आपको आगे जाना है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि दिमाग में कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप है। नहीं, अगर है, मैं तो कहता हूँ सचिन तेंदुलकर के दिमाग में भी 2015 वर्ल्ड कप था, उनके दिमाग में नहीं था क्या? वो भी 2015 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, लेकिन उससे 2.5 साल पहले उनको वनडे छोड़ना पड़ा, उससे तकरीबन 1.5 साल पहले उनको टेस्ट क्रिकेट भी छोड़नी पड़ी। तो आपको तो ये भी देखना है ना कि विराट के मन में क्या है, रवि शास्त्री के मन में क्या है, सिलेक्टर्स के मन में क्या है, आपका पैनल, सिलेक्शन पैनल भी बदल जाएगा जी। आपने ठीक कहा, आपने उसको बोर्ड के इलेक्शन से जोड़ा, आपका पैनल भी बदल जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी देखनी होंगी मुझे लगता है। और आपको ये भी देखना होगा आपका कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल, अब वही है आखिरी सवाल लेना जी। बिल्कुल, विनीत आहूजा क्या पूछ रहे हैं? आज हमने ट्विटर और इंस्टाग्राम के सारे सवाल एक ही में डाल दिए हैं। रावत राहुल 9 ट्विटर और इंस्टाग्राम, विक्रांत गुप्ता 73 ट्विटर, विक्रांत.गुप्ता73 इंस्टाग्राम, सारे सवाल। तो आई थिंक चलिए फिलहाल, आपने, मेरे को लगता है मोर और लेस हमने कोशिश करी है यार, जितने सवाल हम ले सकते थे। आज बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं ले पाए, पर ऐसा भी नहीं कि हमने सवाल लिए नहीं, हमने ठीक ठाक सवाल लिए। और एक और चीज़, आपकी एब्सेंस में, आप थे नहीं यहाँ पे 3-4 दिन, जो मेरा ट्विटर है, सॉरी इंस्टाग्राम है, उससे भी हम एक लाइव करते हैं रोज़ 7-8 मिनट का। तो उससे क्या होता है, इंस्टाग्राम पे जितने जो सवाल आते हैं लाइव में लोग, वो भी हम ले लेते हैं, तो वो भी आप लगा लीजिए। तकरीबन कब करेंगे जय, वो कब करते हैं? 7 बजे के करीब करते हैं वो, उससे पहले, एजेंडा से पहले 7 बजे विक्रांत.गुप्ता73 इंस्टाग्राम पे लाइव, और आप भी रहिएगा मेरे साथ, उसमें थोड़ा फन टाइप करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल इजाज़त ले लेते हैं, कल मिलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, कल का मैच है। सब्सक्राइब, बिल्कुल, आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब करना है, आपको नोटिफिकेशन की घंटी भी बजानी है।